GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, इज बिकॉज ऑफ इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है लोअर इसोफेगस में, फूड पाइप में एक वैल्व है जो खराब हो जाए तो ऊपर फूड आ जाता है गपक से, एंड दैट गिव्स यू खट्टे डकार, बर्प्स एंड गैस्ट्राइटिस, इसोफेज जल जाना, अल्सर्स हो जाना इसोफेगस में, बर्निंग सेंसेशन होना छाती में, इसोफेजियल स्पाजम होना छाती में, दर्द होना, ऑल ऑफ थिंग्स कैन हैपन। सो इसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है, राइट? क्योंकि इसका बेसलाइन कारण कई बार होता है कि ऊपर हायाटस हर्निया हुआ है, जो स्टमक है थोड़ा सा डायफ्राम के ऊपर चेस्ट में आया हुआ है, इस वजह से वहाँ से वो फूल गया है, वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया था। तो उसका तो सर्जरी ऑपरेशन सर्जरी करना पड़ेगा। गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर खराब है, ऊपर वाला लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर खराब है, वो लीक कर रहा है, तो बहुत सिंपल है। एक टाइम पे कम खाना खाओ, हर 4-6 घंटे में खाना खाओ, स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट, डबल चबाना, एंड योर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। लिटरली डू दिस एंड यूल थैंक मी लेटर। छोटी सी बात है लेकिन लिटरली बड़ी बड़ी बीमारियां, सालों की बीमारियों को सॉल्व करने वाली चीज है ये। तो अगर आपको GERD है, बस इतना करो, छोटा छोटा खाओ, छोटा मतलब एक समय में आधा खाओ, पेट मत भरो और चबाल डबल चबाओ, एंड यू विल बी क्योर्ड। उसके अलावा अगर अल्सर वल्सर हुए हैं, ये हुए हैं, तो और जांचें करनी पड़ेगी कि भाई अल्सर क्यों है, B12 डेफिशिएंसी तो नहीं है, अल्सर्स के लिए एंटासिड, वो सब साइड की बात है, मेन ट्रीटमेंट ये। ठीक,